Hello, dear all students. I'm Sunita from STS Vidyapeeth. Welcome to your STS Vidyapeeth online classes. Today, in your nursery class and in your English subject, we are learning about the capital letter E. Means, आज आपके नर्सरी की कक्षा में इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कैपिटल लेटर ई बनाना. ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैपिटल लेटर ई कैसे बनाया जाता है. जो आपकी इंग्लिश की नोटबुक में ऐसे थ्री लाइंस होती हैं, उनमें हम उसे कैसे बनाएंगे. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एंड लिसन हियर केयरफुली एंड प्लीज रिपीट दिस लेटर ऑन योर नोटबुक्स एट योर होम. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैं आपको बता दूं कि आपके जो इंग्लिश की नोटबुक होती है उसमें से थ्री लाइन होती हैं. फॉर योर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर थ्री लाइन्स बना दी हैं. आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैं जिन लाइनों में जैसे बनाऊंगी आपको वैसे ही कॉपी करना है अपनी नोटबुक में और इस लेटर को सीखना है. ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जान लें ई क्या होता है. ई फॉर एलिफेंट. ई फॉर क्या होता है, एलिफेंट. ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी. देखिए मैं यहाँ पर कैसे बना रही हूँ. ये जो आपकी तीन सॉरी ये फोर लाइन्स हैं, फोर लाइन्स में हम सबसे पहले हम जो ये लेटर बनाएंगे वो सिर्फ इन्हीं तीन लाइनों के बीच में बनाएंगे. तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए मैं इन लाइनों में कैसे बनाती हूँ. पहले तो मैं इन तीनों लाइनों में ऐसे जो स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, इस लाइन को छोड़ के इस लाइन को मैं सिर्फ इन्हीं तीनों लाइनों को टच करूंगी. उसके बाद हम इसे ऐसे हर लाइन में बनाएंगे. देखिए ऐसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये मैंने बनाया कैपिटल लेटर ई. बहुत सिंपल है बच्चों. देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है और हर एक लाइन में आपको ऐसे ऐसी लाइन वो भी ज्यादा बड़ी नहीं, बस इतनी ही बनानी है. ये देखिए ये बन गया आपका कैपिटल लेटर ई. आपको दिखाई दे रहा होगा कैपिटल लेटर ई यहाँ पर आपके फोर लाइन की नोटबुक में कैसे बनी हुई है. आपको ठीक ऐसे ही अपने पेंसिल से अपने नोटबुक में ऐसे ही बनाना है. आपने एक बार यहाँ पर देखा, चलिए एक बार मैं और बता देती हूँ. यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी एक लाइन ऐसे बनाइए आप लोग सिर्फ इन तीनों लाइनों को जोड़ते हुए, फिर हर लाइन के आगे आपको ऐसे छोटी सी लाइन खींच देनी है जिससे आपको बन जाएगा कैपिटल लेटर ई. कैपिटल लेटर ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट. चलिए हम अपने अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसके साथ, जिससे आपको यह लर्न करने में आसानी होगी. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आपके अल्फाबेट का पहला लेटर होता है. ये आपके अल्फाबेट का पहला लेटर है, अल्फाबेट लेटर्स का पहला लेटर है लेटर ए. लेटर ए, ए फॉर एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. बी, बी फॉर बॉल. बी, बी फॉर बॉल. बॉल मीन्स गेम, जिनसे आप खेलते हैं. वो बॉल छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं. बी, बी फॉर बॉल. बॉल मीन्स गेम. तीसरा लेटर है सी. सी फॉर कैट. कैट मीन्स बिल्ली. या फिर सी फॉर होता है कैप. कैप मीन्स सी ए पी कैप. कैप मीन्स टोपी. या फिर आप कह सकते हैं सी फॉर कप. कप मीन्स कप, जिसे आप चाय पीते हैं. चौथा लेटर है सी के बाद डी. डी फॉर डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. डी, डी फॉर डॉग. डॉग मीन्स
कुत्ता। ये देखिए डी के बाद आता है लेटर ई, डी के बाद आता है पांचवा लेटर लेटर ई, तो ई से क्या होगा, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। आपने देखा होगा हाथी को जिसकी सूंड लंबी होती है और वो बहुत बड़ा होता है, तो उसे कहते हैं हाथी। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस। आपने इसमें जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह पढ़ने में। आप अपने इंग्लिश की नोटबुक में इस ई कैपिटल लेटर ई को बनाना सीखेंगे फोर लाइन्स की नोटबुक में, और उसे कम से कम दो पेज पर दोहराएंगे, जिससे आपको वह बहुत अच्छे से सीखने आ जाए, यानी कि बनाने आ जाए। और जैसे मैंने यहाँ पर अल्फाबेट्स को रिपीट करवाया है, वैसे ही आप उन्हें रिपीट कर लीजिएगा। इसके आगे वाला लेटर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।